कोरोना वायरस भारत में दस्तक दे चुका है, जिसके चलते सरकार के द्वारा जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, जिसको भारत के नामचीन क्रिकेटरों ने भी समर्थन देते हुए देशवासियों को कोरोना के सामने लड़ने के लिए सोशल मीडिया पर मैसेज दिया है। हेलो गाइस, प्लीज स्टे होम ऑन 22nd ऑफ मार्च एंड हैव अ ग्रेट संडे। वी सपोर्ट जनता कर्फ्यू, स्टे यूनाइटेड फॉर कोरोना। जय हिंद। वी नो वी आर ऑल गोइंग थ्रू अ वेरी डिफिकल्ट टाइम एंड द ओनली वे टू स्टॉप द स्प्रेड ऑफ कोरोना वायरस इज बाय एक्टिंग टुगेदर। वी आर स्टेइंग एट होम फॉर आवर सेफ्टी एंड फॉर एवरीवन एल्स एज़ वेल। एंड यू शुड डू इट टू टू प्रिवेंट द फर्दर स्प्रेड ऑफ द वायरस। लेट्स मेक इट सेफ फॉर अस एंड एवरीवन एल्स बाय सेल्फ आइसोलेशन। Stay home and stay healthy. आप एहतियात बरतें कि अगर आपको थोड़ा भी फीवर है या छींकें हैं, जुकाम है, तो आप बाहर ना जाएं, दूसरों से ना मिलें, कमरे में रहें, डॉक्टर के पास जाएं, उसका इलाज कराएं, हॉस्पिटल में रहें, एडमिट हो जाएं और कम से कम 2 हफ्ते तक कहीं ऐसी जगह ना जाएं जहां ज़्यादा लोग इकट्ठे हो रहे हों। तो खुद की जिम्मेवारी बनती है आपकी अगर आप बीमार हैं तो, यही है, अगर आप प्रिकॉशंस लेंगे तो मुझे लगता है कि शायद ये इसको फैलने से रोका जा सकता है। हम सब कोरोना वायरस की वजह से चिंतित हैं। कुछ बातों का ध्यान हम सब रख सकते हैं। पहली बात, भीड़ की जगहों पर सोशल फंक्शंस में ना जाएं और अगले कुछ समय तक ज़रूरत ना हो तो लोगों से ना मिलें, क्योंकि ये वायरस एक इंसान से दूसरे इंसान तक भी फैल सकता है। दूसरी बात, अगर आपको लगे कि कोई बीमार है, उसे बुखार है, कोई खांसी है, तो उसे दूरी बनाए रखें। अगर आपको खुद को बुखार और खांसी है और सांस लेने में तकलीफ हो रही है तो अपने नज़दीकी डॉक्टर के पास जाएं या हेल्पलाइन नंबर 1075 पर कॉल करें। तीसरी बात, अपने हाथ बहते पानी के नीचे साबुन से धोएं, कम से कम 20 सेकंड तक, जितनी बार हो सके उतनी बार धोएं। चौथी बात, घबराएं नहीं, अफवाहों पर बिल्कुल विश्वास ना कीजिए। किसी भी शंका को दूर करने के लिए कॉल करें इस नंबर पर या लॉग ऑन करें इस वेबसाइट पर। आखिरी बात, ये किसी को भी हो सकता है, इसे नज़रअंदाज ना करें। कोरोना वायरस को हराया जा सकता है और हम सब मिलकर इसके फैलने के तरीके को समझकर इसे हरा सकते हैं। यदि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया है तो अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और हमारे चैनल गुजरात तक को सब्सक्राइब करना न भूलें। नमस्कार।